हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हमारा सुबह के 4:10 बाकी है। मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ और आज है करवा चौथ, इसलिए रेडी हो गई हूँ। और मुझे खानी है सरगी अपनी, तो अभी सरगी की थाली लगाऊंगी। उसके पहले चाय बना रही हूँ, पी रही मेरी चाय। और मम्मी ने पहले से ही निकाल कर रखा हुआ मेरी मट्ठी, इतनी सारी थोड़ी ना खाऊंगी मैं, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा लूंगी। और इधर है ड्राई फ्रूट, मेरा ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि सर्दी के थाली में हमें 5 खाने के लिए रखना होता है। 5 मैं लूंगी, थोड़ा सा केला, थोड़ा सा एप्पल, एक आधा कप एक कप चाय बन रही है मेरी, ड्राई फ्रूट्स है, मट्ठी है, तो 5 आइटम हो जाएंगे। और फटाफट खाना है क्योंकि सूर्य उदय से पहले खाना होता है। अभी 10 मिनट है मेरे पास खाने के लिए, तब तक मैं खा ही लूँगी। उससे पहले पीऊँगी 1 ग्लास पानी, वो मैं इसमें कर सकती क्योंकि उसके बाद फिर पीने का मौका नहीं मिलेगा। तो पानी पी लेते हैं। तो ये रही मेरी सरगी की थाली, इसमें ड्राई फ्रूट्स रख लिया, चाय है मेरी, ये पीस पीस काट के एप्पल और बनाना, और ये मट्ठी है, मीठी मट्ठी और नमक मतलब प्लेन मट्ठी है। 5 मिनट रह गया है मुझे खाने के लिए, फटाफट खाती हूँ इसको। खाली मैंने अपनी सर्दी प्लेट रख देती हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, तकलीफ पूरी मैंने लाइट ऑन कर रखा है क्योंकि उनका तो सोने का टाइम है। मैं कैसे भूल सकती हूँ, तो बाबा ही मुझे याद दिला रहे हैं चाय चाय कर करके, उठ के बैठे हैं दोनों के दोनों। तभी मैं अपने यहाँ रखती हूँ प्लेट, फिर मैं भी आके सो जाती हूँ कि सब लोग सो रहे हैं, ये देखो। तो अभी 4:05 हो रहे हैं और मेरी सर्गी कंप्लीट हो गई। तो सर्गी खा ली मैंने अपने, अब जा रही हूँ सोने। और मिंकू बेचारा नहीं उठ पाया, तो उसको मैंने फोर्स भी नहीं किया, सो गए, फोर्स भी नहीं किया, उसका मन था बट नहीं हो पाता ना, उससे छोड़ दिया। अभी जैसे सो के उठती हूँ, 8:10 बाकी हैं, लो लाइट ही चल, क्या बात है, गहरी नींद आई, गहरी नींद आई थी। उनको गया ऑफिस, लेकिन जल्दी निकलेगा, हाफ डे लेगा बोला मैंने उसको, हाफ डे लेने के, तो हाफ डे लेके आएगा। आउटफिट दिखा देती हूँ आप लोग को, बट लाइट चली गई है, देखती हूँ दिखता है नहीं, नहीं तो लाइट आई तो दिखाऊंगी। सो ये है मेरा आउटफिट, और ये कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने 2-3 चीज़ों का, 3 का, तो बताना कैसा लग रहा है और गेस करना इसका प्राइस कितना होना चाहिए। देखो सो गई मैं ना पूरा, ये देखो क्या हो गया है, ये दुपट्टा मेरा 4 साल पुराना दुपट्टा है, और ये रिसेंटली लिया है, बट ये फैब्रिक था जिसका मैंने स्टिच कराया है। तो कैसा लग रहा आउटफिट ज़रूर बताइएगा, और कितना प्राइस होगा ये भी बताना। ऐसे तो दिख नहीं रहा है प्रॉपर, बट अच्छा लग रहा है सामने से, लुक अच्छा आ रहा है इस ड्रेस का। तो ये पूरा ड्रेस है मेरा, अब जा रही हूँ बाहर देखने क्या चल रहा है, और मेहंदी आप लोगों को भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेहंदी का कलर मेरा उतना खास आया नहीं है। ये रही मेहंदी की कलर, अब पता नहीं जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे मे भी कलर बढ़ जाए हाथों का मेहंदी का, बट अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा। मैंने अपना वाला चूड़ा पहना जो शादी में चूड़ा पहना था, ये वाली मेहंदी की कलर है मेरी, मेरा चूड़ा है, मेरा मंगलसूत्र, ये मुझे बहुत पसंद है, ये जो डिज़ाइन है ना मुझे बहुत पसंद है। बाकी पैरों में भी लगाया, पैरों में तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ा है, देखते हैं शाम तक क्या हालत रहती है, दिखाती हूँ आप लोग को, ये देखो। पैरों का तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ा, अभी नेल पेंट लगाऊंगी, देखती हूँ कौन सा कलर है, मैं वैसे कलर तो बहुत सारे हैं, कौन सा लगाना है ये देखना पड़ेगा मुझे। गप्पू गप्पू दिख रही हूँ फुली फुली, क्योंकि भी जस्ट सो के उठी हूँ, सपने में इतने गंदे गंदे सपने आ रहे थे मुझे, भाई मम्मी को बताऊंगी। क्या भाई सोने भी नहीं दे रहे थे मुझे, इतना चाय 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 चाय, क्या सो गई तसल्ली, खट्टर 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 दिमाग खराब कर दिया था, इतना खट्टर 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 कर रहे थे सब।
सही लग रहा है सूट तो? मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा, मस्त लग रही हूँ। इतना उल्टा पुल्टा सपना देख रही थी अभी जब सोई, गहरी नींद में होंगे ना, दिख रहा है कभी पिज्जा खा ले रही हूँ गलती से, फिर ध्यान फास्ट है आज तो, फिर दिख रहा कभी पानी पी ले रही हूँ, और ये तो फास्ट था मेरा आज, ऐसे उल्टा पुल्टा हो रहा है। चूड़ा पहने अच्छा अच्छा है ना, शादी वाला चूड़ा है। अभी नेल पेंट लगा के आती हूँ, नेल पेंट लगाना, कलर नहीं चढ़ा मेहंदियों का, पता नहीं कैसी मेहंदी लगे, लेकिन चढ़ेगा अभी देखो रात से, अभी तक तो कितना कलर, हाँ जैसे जैसे दिन जाएगा ना आ जाएगा कलर, अच्छा लगेगा। तो ये रहा करवा, और क्योंकि मिट्टी का बर्तन है ये सब, तो इनको धो के रखना है मुझे, और इसमें पानी डाल के रखना है, सूख जाता है मिट्टी के बर्तन पानी डालने में ना, तो इसमें से निकाल देती हूँ इसको। तो इसमें रख दिया पानी करवा में, और रख दिया ये भी वॉश कर दिया, क्योंकि मिट्टी है तो सबको पता है पानी सोख लेता है मिट्टी, तो इसलिए इसमें भर के रखना पड़ा, और क्योंकि तेल डालेंगे दिया जलाने के लिए तो इसमें भी सोखेगा, इसे पहले कि अच्छे से पानी से वॉश करके रख दो, और जब दिया जलाओ, दीप जलेगा तो अच्छे से जलेगा, काफ़ी टाइम तक जलेगा। और मैं करवा माता की पूजा नहीं कर सकती आज, क्योंकि मैं डाउन हो गई हूँ, आज ही हो गई, मेरे पीरियड स्टार्ट हो गया आज से, तो मैं नहीं कर सकती पूजा, बाकी सारा जो विधि विधान है वो सब करूँगी, बस पूजा नहीं करूँगी, क्योंकि 3-4 दिन तक नहीं छूना होता भगवान जी को, ऐसा बताया गया है हमें, तो पूजा नहीं कर पाऊँगी, बाकी फास्ट तो हूँ ही, और मिंकू चला गया ऑफिस, उसने भी करवा चौथ का फास्ट रखा है, कुछ भी खाया पिया नहीं है सुबह से, तो आएगा तो उससे मिलाती हूँ आप लोग को, और देखते हैं क्या क्या रहता है उसका पूरे दिन का, क्योंकि वो बेचारा ऑफिस गया है, ऑफिस में काम करना बोलना तो बहुत हैक्टिक हो जाता है, तो आएगा पापा जाएंगे उसको लेने पिक करने जाएंगे, क्योंकि शटल आएगी शाम को और वो निकलेगा हाफ डे में, तो पापा जाएंगे, मेट्रो में आना उसके लिए सही नहीं है अभी, तो पापा जाके लेकर आएंगे उसको। बाकी दिन ऐसे ही चल रहा है, अभी कुछ खास नहीं चल रहा है, बस थोड़ी सी दुखी हो गई हूँ क्योंकि मैं पूजा नहीं कर सकती, इतने मन से इतने चाव से सारा सामान कर खरीद के लेके आई पूजा के लिए, बस वो नहीं कर पाऊंगी, बाकी चीज़ें तो कर लूँगी बट पूजा नहीं कर पाऊँगी, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है मेरे पास, बहुत बड़ी गुड न्यूज़, वो कुछ टाइम बाद आप लोग बताऊँगी या शाम को बताऊँगी, करवा चौथ के टाइम पे बताऊँगी, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है वो, मतलब इतनी खुश हूँ ना मैं इस गुड न्यूज़ से, इतनी खुश हूँ ना बता नहीं सकती, बहुत ही बड़ी है, तो वेट करिए शाम का आपको अपडेट मिल जाएगा। तो ये वाली साड़ी पहनूंगी मैं शाम को, और ये साड़ी मम्मी की है जो कि एकदम न्यू है, अभी इसका टैग भी लगा होगा अंदर कहीं पे, ये छूने में आ रहा है, और इसके साथ गोल्डन ब्लाउज है मेरे पास वो पहनूंगी, या फिर ऑरेंज ब्लाउज है वो पहन लूँगी, तो अभी ये निकाल के रख दिया है, बाकी पापा चले गए हैं मिंकू को लेने के लिए, बैठ भी गया मिंकू शायद, अभी मेरी बात नहीं हुई, मैं कॉल करूँगी पूछूँगी, तो पापा 1 बजे ही चले गए थे, अभी 2:15 हो रहा है, और मम्मी सो रही हैं, मैं अकेले बोर हो रही हूँ क्योंकि कुछ करने को नहीं है, टीवी में कुछ आ नहीं रहा है, यूट्यूब नेटफ्लिक्स सब कुछ देख लिया, सब बकवास, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ काम करना नहीं है मुझे, पूजा पाठ नहीं करनी, कोई तैयारी भी नहीं कर रही, तो बोर हो रही हूँ, और कल की शटल मैंने बुक कर ली है, कल ऑफिस जाना है मुझे कैसे भी, बाकी जब तक मिंकू आएगा 4-4:30 तो हो ही जाएगा, इतना टाइम तो लग ही जाता है ऑफिस जाने में, शायद जल्दी भी आ जाए क्योंकि आज रोड खाली है करवा चौथ के चक्कर में, मतलब सब लोग ऑफ पे हैं, लीव पे हैं, तो वह जब वो गया तो बता रहा था कि पूरा रोड खाली था, एक दो गाड़ियाँ दिख रही थी, तो जल्दी आ जाएगा तो अच्छी बात है मेरे लिए भी। और अभी मम्मी रेस्ट कर रही हैं, उठेंगी तो पकवान बनाएंगी, सारा पकवान जो खाना है हमें करवा चौथ के लिए, कि मैं ऐसे घूम रही हूँ कि ब्याह करवा भी सोए हुए हैं, उनको भी चिंता नहीं है कि मैं बोर हो रही हूँ।
अभी 3:30 हो रहा है और मिंकु पापा आ गए हैं, मिंकु लिफ्ट में आ रहा है, वेट कर रही हूँ मैं उसका, बोर हो रही हूँ। डर गए तुम? तो कौन? मैं देख रहा लाइट क्यों जलाई हुई। क्यों? तो तुमको समझ नहीं आया? नहीं। क्यों? नहीं है। मेरे को डर गर्ल। क्या पहना था भाई? कपड़ा सुंदर वाला। बढ़िया वाला पहना। आज मेरे को आप काफी फास्ट है। नहीं मैं तो स्लो। मेरे को भी आज फास्ट है। खाए तो नहीं ना? मैं एक प्लेट तंदूरी चिकन, एक प्लेट। खा क्या रहे हो तुम? चिकन बिरयानी सब खा। पानी भी नहीं पीना होता है? नहीं पिया ना? नहीं पिया ना? सो गाइज रेडी हो गई हूँ मैं और ये है मेरा कंप्लीट लुक। तो ये वाली साड़ी पहनी है मैंने मम्मी की और ऐसा है कुछ, और ज्वेलरी दिखा देती हूँ अपना। शीशा थोड़ा गंदा है, धूल मिट्टी है तो इग्नोर करना। ये सेट लिया था पूरा मैंने, ये किवा करवा चिल्ला रहे मेरे को। तो ये पूरा सेट, अभी चप्पल पहनना है। अभी मेरे को ऐसे ही बैठा हुआ है यहाँ पे, रेडी भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ है, बस डुगिया 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 देख रहा है। सो रेडी हो गई हूँ मैं और मेरे को मार्ट है, इसको डुगिया का भूत सवार हो गया है। और हम लोग छत पे नहीं जा रहे इस बार करवा सेलिब्रेट करने, हम जाएंगे बाहर ग्राउंड में, क्योंकि ऊपर बहुत भीड़ हो जाती है और लाइट भी नहीं होती, तो ग्राउंड में इस बार जाके सेलिब्रेट करेंगे। पूजा तो करनी नहीं है, तो मैं अपना करवा का जो थाली है वो सजा लेती हूँ जो लेके जाना है मुझे। बाकी मम्मी खाना बना रही हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मिंकुआ के मुँह से पानी आ रहा है, कह रहा पानी आ रहा है। ये देखो खीर बना दिया, ये रही खीर और चना आलू और पनीर पूरी राइस, ये सब बनेगा। और शाम के अभी बज रहे हैं 6:30, तो हम लोग तो 8 बजे तक आराम से निकलेंगे। 8 बज जाएगा हमारा यहाँ से निकलते निकलते, तब तक मैं अपनी थाली लगा लूँगी करवा के। मेरी बुछवा और ये रही मेरी पायल। अच्छा लग रहा है बुछवा पहन के अभी। हाँ आरती, अभी सुंदर लग रही है? सुंदर लग रहा है, लेकिन थोड़ा ब्लर हो रहे हो। ब्लर मत करो ना, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, लाइट फ्लक्चुएट होती है अभी साड़ी। हाँ गुड, सुंदर लग रही हो? सुंदर लगा था। मम्मी की साड़ी पहनी है। हाँ। ये पायल और बुछवा पहना है, पायल और बुछवा है, चप्पल हवाई है, हवाई चप्पल हवाई है। अभी जाने के टाइम पे चप्पल पहनूंगी और बस रेडी हो गए हैं, चंदा मामा का वेट कर रहे हैं, चंदा मामा आए नहीं है एज यूजुअल, लेकिन भूख लग रही है इस बार, मुझे भूख लग रही है, मीपा को भी लग रही है। मीपा फर्स्ट टाइम फास्ट रखा है मेरे लिए, अपनी संतुष्टि के लिए रखा है कि कल तो मैं इसको ताना नहीं मारूं कि हाँ तुम फास्ट नहीं रखे। सही बात है, तो इसने फास्ट रखा है। क्या सही बात है, रेडी भी नहीं हुआ यार, ऐसे खड़ा है पीछे कैमरे के, दिखाऊं? दिखाती हूं, ये देखो ऐसे जाओगे? पहनते हैं। आज नहीं आएंगे चंदा मामा? सब जगह अंधेरा अंधेरा हो रखा है। सजा दिया है मैंने अपने करवा का और टाइम हो रहा है 7:30 और मम्मी रेडी हो रही हैं, रेडी हो जाएंगी तो हम लोग निकल जाएंगे ग्राउंड पे जाने के लिए। हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर छत पे, अभी चांद मामा आए नहीं है, बट हमें सजा कर सकते हैं उनका ऊपर जाके। चिड़ियों तो चले लिफ्ट से, अभी चांद आया नहीं है तो हम वेट कर रहे हैं, पूरा बादल है, पटाखे छूट रहे हैं। ये देख रहा है चांद छुटकू सा, अभी रेड रेड है ना, अभी पूरे खिल के आए हैं, हवा भी है ना, मौसम चेंज हो गया। हाँ
क्या हुआ? आ रही हूँ, जल चढ़ाओ थोड़ा ना, पानी दिया के भी आ हाँ नीचे रख दो। पानी नहीं पिलेगा, पिलाएगा मिठाई नहीं खिलाएगा मेरे को। हाँ पानी पिलाओ, तुम भी पानी पिलाओ उसको। इनको मिठाई खिला दे। हाँ दोनों ने रखा है। नहीं रखना चाहिए था, क्यों नहीं रखा? वो तो ऑफिस ही। खुश रहो। कहता है शक्ति चाहिए, सारी शक्तियाँ तो औरतों के पास है, आदमी के पास क्या है? बोला जी शिव जी को बैठा दिया हिमालय में, शिव जी को बैठा दिया पहाड़ में, गले में सांप डाल दिया। हाँ सुना हो गया। हाँ अभी तक भूख लग रही थी, जैसे पूजा करके आ गए भूख खत्म। अभी खा लेते हैं ना पहले, फिर चेंज करना, खाना खा लेते हैं, हटा दूँ। तो इस बार मिंकू मेरे लिए व्रत रखा, पता नहीं झूठ या सच, बट लड्डू खा लिया। लड्डू खा लिया, थोड़ा थोड़ा सा लड्डू नहीं खाया अभी तो खाया। हाँ ऊपर भगवान जी ऊपर, तो अभी तो खाना होता है। मतलब चांद को जब हमने देखा तो इसने लड्डू खा लिया, इसको लड्डू मैंने खिलाया, तो सब झूठ झूठ बोल रही हूँ। मेरे लिए फास्ट रखा इसके साथ, इसके लिए मैं मम्मी 3 साल से रहे। मम्मी कह दिया, कह रही कि इसने फास्ट रखा, थोड़ा लड्डू खाया। अबे लड्डू तो अभी खाया। नहीं मैंने खिलाया, इसने नहीं खाया, मैंने खिलाया। क्या बोल, कह रही मैंने खिलाया, अभी जो चांद भगवान को खिलाया तो तुमको भी खिलाया ना। और क्या, लड्डू खा लिया। नहीं नहीं चांद भगवान को जब चढ़ाया तब मैंने इसको खिलाया, मतलब जब मेरा क्या बोलते हैं उसको व्रत तोड़ा तो मैंने भी इसका व्रत तोड़ा। पानी पीना थोड़ा सा मस्का लगाना पड़ता है, इधर मस्का नहीं मतलब थोड़ा ब्लॉग दिखाना पड़ता है ना, वो बनाने के लिए क्यूरियोसिटी। चांद मामा मैडम लाल लाल होकर आए हैं, बट दिख गए हमें। और टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताना। 8:38 और हम लोग आज ग्राउंड में नहीं गए, ग्राउंड में जाने वाले थे, हमारा प्लान था ग्राउंड में जाने का, लेकिन वो कैंसिल हो गया किसी रीजन से, तो हम लोग छत पे ही चले गए थे ना करवा चौथ का पूजा कंप्लीट करने के लिए, चला दिए। अब हमारा खाना आ गया है, पूरी हलवा बोल, पूरी सब्जी और छोले, मूंग की प्लेट भी लग गई है, ये रहा खीर मस्त मज़ेदार। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बोला था कि गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, तो आपको बता देती हूँ कि मैं मासी बन गई हूँ। शैलजा बोरा को बेबी गर्ल हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोरा, बहुत सारी बधाइयाँ। और हम जल्दी आएंगे मिलने, हमारा वेट करना, और बेबी गर्ल से भी मिलेंगे और बहुत सारा पार्टी करेंगे। और शैलजा बोरा को आप सब लोग भी बधाइयाँ। चलो मुझे खिलाओ बाइट, उनको कुछ नहीं करने आता है। खिलाया तो और क्या, मुठ कुछ दिया, कुछ खा दिया, दांत लग गया। अच्छा तुम कहोगे पनीर खाने के लिए, मेरे छोला खिला रही है मम्मी। मेरे छोला खिला है। चलो हम लोग खाना खाते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग जरूर देखना, और पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।